A or N is used before a countable noun in the singular. तो A और N कहाँ use होता है? तो countable जिसको गिन सकते हैं उसमें और singular में ये use होता है. It stands for one in the sense of any. यानी बहुत में से कोई एक वो ये बताता है. N is used before a noun beginning with a vowel sound. आपको पता है हमारे इंग्लिश में वॉवेल कितने हैं? A E I O U. आपको पता है ना? तो यहाँ पर देखो A E I O U ये क्या है? वॉवेल है. तो ये वॉवेल जो होते हैं ना उसके आगे एंड यूज होता है. तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में मैंने बताया है एंड एंड. तो A क्या है? वॉवेल है ना. तो यहाँ पर एंड यूज हुआ है. फिर E देखो E है ना वॉवेल है तो उसके आगे एंड यूज होता है. और A एन आम. तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं ऐसे बढ़ के आगे एन हम यूज करते हैं. एन इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच वेयर इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड. और जहाँ पर हम बोलने में अभी यहाँ पर देखो एग्जांपल है अवर. तो हम बोलते कैसे है अवर? तो अ से यूज होता है स्टार्ट होता है ना वर्ड. इसमें एच यहाँ पर लेटर लिखा है और उच्चार क्या होता है उसका ओ. तो वहां पर भी क्या होता है एंड यूज करते हैं हम. अंडरस्टैंड? जैसे हम गुजराती में आप पढ़ोगे स्वर होते हैं अ आ उ. तो ये ओ अवर से स्टार्ट होता है इसीलिए हमें वहां पर एंड यूज करना है. तो ये आपको अपने को लर्न करना है और लिखना भी है नोट में. अब इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग द डेफिनाइट आर्टिकल ए और एन वेयर नेसेसरी. जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर ए या एन यूज करके आपको फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है. तो वन नंबर वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. तो यहाँ पर हमें देखो कहाँ पर एन यूज करना है. तो वंस देयर लिव्ड अभी ये देखो ओ है ना. तो ओ क्या है? वॉवेल है. तो वहां पर हमें क्या यूज करना है एन उसके आगे एन ओल्ड मैन. अभी सेकंड नंबर का सेंटेंस द इज वाटर बर्ड. तो इसमें हम कहां पे यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? तो देखो द इज अ वाटर बर्ड. डक एक पानी में रहने वाला पंछी है. तो डक इज अ वाटर बर्ड. यहाँ पर हमने ए यूज किया है. थर्ड नंबर एप्पल इज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये वाला सेंटेंस है. तो यहाँ पर देखो एप्पल दिया है तो यहाँ पर हम एन यूज करेंगे क्योंकि ये वॉवेल है ना ए ई आई ओ यू. तो एन एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अभी फोर्थ नंबर वीक हैज 7 days. तो यहाँ पर वीक यानी एक वीक को बताना है हमें. तो यहाँ पर ए यूज करेंगे अ वीक हैज 7 days. एक हफ्ते में 7 days आते हैं. तो ये मैंने 4 यहाँ पर आपको करके बताए हैं. आप दूसरा में वीक आपको सेंड कर लूंगी और आप लोगों को अपने आप भी एक बार करना है वर्कबुक में और नोटबुक में. ये आपका होमवर्क है. थैंक यू.